अलवर में प्रशासन लूट और चोरी की बढ़ती वारदातों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ताजा घटना इस बात की गवाह है। कोतवाली से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई वारदात इस बात की पुष्टि करती है। दरअसल बात बुधवार सुबह की है। अलवर शहर में कोतवाली से मात्र 100 मीटर की दूरी पर लाखों की चोरी हो गई। इस बात की पुलिस को भनक तक नहीं लग पाई। मामला तब सामने आया जब दुकान के मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना कोतवाली थाना गेट के समीप स्थित मोबाइल शॉप GLS सेल्स कॉर्पोरेशन में हुई, जहां चोर दुकान की शटर को बीच से तोड़कर दुकान के अंदर घुसे। उन्होंने दुकान से लाखों रुपए के कीमती मोबाइल चोरी कर लिए। जब दुकान मालिक रोहित अग्रवाल को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। मौके से FSL की टीम ने सबूत जुटाए, साथ ही दुकान के आसपास लगे CCTV कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस कंट्रोल रूम के पास लगे CCTV कैमरे में फुटेज में 8 से 10 नकाबपोश दिख रहे हैं, जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया। वहीं दुकान के मालिक रोहित अग्रवाल का कहना है कि चोरों ने ओप्पो, वीवो और सैमसंग के महंगे मोबाइल चोरी कर लिए। करीब 20 से 25 लाख से अधिक की चोरी बताई जा रही है। हमने जब फोन किया अपने मिलने वाले को, इसको जब पुलिस की टीम आई पूरी, अब ये दुकान खोल के देखिए दुकान ताले टूटे पड़े हैं। और मेरी दुकान है ना शहर के बीचों बीच सबसे पॉश इलाके में, जो कंट्रोल रूम पड़ता है अलवर के, जहाँ पे करीब 150 पुलिस वाले वहाँ भी रहते हैं, उसके ठीक सामने जहाँ से हमारी दुकान पूरी दिखाई देती है। और हमारी दुकान से कंट्रोल रूम पूरा दिखाई देता है, पुलिस की गश्त भी रहती है। मतलब पुलिस के होते हुए पुलिस के कंट्रोल रूम के सामने हमारी दुकान ताले तोड़े गए, ये बहुत ही शर्म की बात है, पुलिस के लिए डूब मरने वाली बात है। वहीं शहर DSP प्रियंका सिंह और कोतवाल जितेंद्र सोलंकी ने मौके पर पहुंचकर दुकान का जायजा लिया। उन्होंने आरोपियों पर शीघ्र कार्रवाई की। अभी तो टीम आएगी, पूरा मौका मुआयना होगा। कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का सामान गया इसमें, कम से कम उसके अंदर चोरी हुई है, करीब काफी सामान उसमें चला गया है। हमारे मेन बाजार की दुकान है, कस चली जाती है, उसके बाद की घटना है। CCTV फुटेज वगैरह में कुछ लोगों का हुलिया वगैरह आया है काम करने में। फिलहाल अलवर पुलिस पर इस वारदात के बाद सवाल उठना लाजमी है। जब चोर दुकान में शटर को तोड़कर घुसे तो उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी? थाने के पास हुई चोरी की पुलिस को भनक तक नहीं लगती। मौके पर पुलिस का गश्ती दल क्या कर रहा था? ऐसे कई सवाल हैं जिनका अलवर पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। जो भी हो, अलवर जिले में बढ़ती आपराधिक गतिविधियां पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। सबसे सुरक्षित माना जाने वाला पुलिस कंट्रोल रूम का क्षेत्र भी महफूज नहीं है। कोतवाली थाने के पास हुई चोरी की घटना यह बताने के लिए काफी है। फिलहाल घटना की जांच के लिए पुलिस टीम भी गठित कर दी गई है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक आरोपियों को पहुंचने में कामयाब हो।